गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट टूडे अवर चैप्टर ऑफ यूनिट थर्ड, रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। सो यू कैन सी अ पर्सन इन दिस पिक्चर स्टैंडिंग एंड सीइंग अमेजिंगली अ फुटप्रिंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एंड एन्जॉय द चैप्टर एंड लेट्स अंडरस्टैंड वट न्यू we can learn from this chapter. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. So that means he is sailing in the sea and meanwhile he destroyed his ship. So now he had been alone for many years and longed for company. So he is alone because he is traveling by himself in the sea and his ship was destroyed. So maybe his friends are also gone through some casualty during that destruction of that ship. So he has no company, that means he is alone. One day he discovers a footprint on the sand. So one day he discovered a footprint on the seaside. So let's find out what did he do then. So when he discovered a footprint, what he did after that, let's see in this chapter. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. So who is speaking in this chapter? Robinson Crusoe was speaking. So one day when I was going towards my boat, that means one day jab main apni boat ki taraf ja raha tha, I was surprised to see the footprint of a man. So I am very surprised when I saw some footprints of a man on the sand. So we can describe the footprints the footprints are of a person or an animal. So he saw that the footprints are of a man. I stood amazed. So amazed means wondered. He wondered that. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. So when he saw that footprint, Robinson Crusoe, he's saying that I saw here and there and listened very sharply that any sound or any person could see me or I could see any person. I went up higher to look down. So ही सेइंग दैट आई वेंट अप, मैं थोड़ा सा ऊंचाई की ओर गया, किस लिए? ताकि मुझे कोई दिख जाए. ठीक है, आई वेंट अप द शोर, मैं शोर के पास भी गया एंड डाउन द शोर और शोर के नीचे की ओर भी गया, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट देन वन. क्या है रॉबिन्सन क्रूज़ो क्या कह रहे हैं कि मुझे फुटप्रिंट तो दिखा लेकिन वो क्या था, सिर्फ एक ही फुटप्रिंट था. आगे पीछे कहीं दूर दूर तक मैं इधर उधर भी गया लेकिन मुझे कोई फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक ही जगह पे और वो भी एक ही फुटप्रिंट. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स. तो मैं एक बार और गया उस ओर लेकिन मुझे कोई फुटप्रिंट नहीं नज़र आया दोबारा से. ठीक है, एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. मैं दोबारा उस फुटप्रिंट को देखने के लिए गया ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि क्या वो मेरा इमेजिनेशन तो नहीं था, क्या वहाँ पे वाकई में कोई फुटप्रिंट मौजूद है. बट आई वॉज़ नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं ये मेरी कोई गलती नहीं थी. आई वॉज़ नॉट मिस्टेकन मीन्स आई वॉज़ नॉट इमेजिनिंग दैट आई हैव सीन एनी फुटप्रिंट इन द सैंड, बट आई वॉज़ नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट टोज. सो ही सेइंग दैट टू हिमसेल्फ दैट मैं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई इमेजिनेशन नहीं किया था, मैं
वहाँ पे वाकई में कोई एक फुटप्रिंट मौजूद था जिसमें टोज भी थी, हील भी थी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। तो उस जो उस पाँव जो उनको फुटप्रिंट नज़र आया रॉबिन्सन क्रूजो को, उसमें टोज भी थे, हील भी थी, और जो भी हमारे फुटप्रिंट का जो भी प्रिंट होता है उसका हर एक पार्ट उस फुटप्रिंट में मौजूद था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ इट केम देयर। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन क्या मैं कन्फ्यूज हो रहा था बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही कन्फ्यूज मैं हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन। रॉबिन्सन क्रूजो जब अपने घर की ओर अपने जो उसने वहाँ पे एक अपने लिए बनाने के लिए जो कुछ एक अपने लिए जो होम तैयार किया होगा, होम मीन्स जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो गया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान था, परेशान थे रॉबिन्सन क्रूजो। और वो क्या कर रहे थे, जैसे ही वो दो तीन कदम बढ़ रहा था अपने आगे पीछे देख रहा था कहीं उसे जो फुटप्रिंट दिखाई दिया था वो जिस पर्सन का फुटप्रिंट हो वो दिखाई ना दे जाए। उसे लग रहा था शायद एवरी बुश जो एवरी कोई भी बुश है या फिर कोई भी ट्री है, क्या वो कहीं वो एक पर्सन ही तो नहीं है। जैसे हमें भी कभी ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, तो उसे भी लग रहा था शायद हर एक पेड़ उसे लग रहा था शायद वो इंसान किसी पेड़ के पीछे छुपा हो या कुछ इस टाइप से, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। व्हेन आई केम टू माय केव विच आई कॉल माय कैसल, सो जब वो रॉबिन्सन क्रूजो अपने केव में आए जिसको रॉबिन्सन क्रूजो कैसल बोलते थे, आई रैन इनसाइड इट, मैं जल्दी से उसके अंदर आई रैन इनसाइड माय कैसल एज इफ आई वाज बीइंग चेस्ड, ताकि मैं मुझे कोई देख ना ले यार मुझे कोई पकड़ ना ले, ठीक है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड टू दी लैडर और वेंट इन बाय दी होल, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं किसी लैडर की हेल्प से वहाँ पे गया या फिर उस होल से ही इन दी रॉक विच आई कॉल द डोर, या फिर मैं उस रॉक पर ऐसे ही चढ़ गया जिसको मैं अपने केव का डोर मानता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, तो मैं अपने बचाव के लिए बहुत जल्दी से बहुत जैसे कोई एनिमल की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट मैं अपने कैसल में गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, सो रॉबिन्सन क्रूजो इज सेइंग दैट आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, वाई ही कुड नॉट वाई ही इज अनेबल टू सी दैट स्लीप दैट नाइट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट फुटप्रिंट दी होल नाइट, ही हैज सीन इन दी सैंड नियर दी सी एंड द मोर अफ्रेड आई बिकेम। सो जितना ज़्यादा रॉबिन्सन क्रूजो उस फुटप्रिंट के बारे में सोच रहे थे ही इज फीलिंग अफ्रेड। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। सो फिर उनको लगा रॉबिन्सन क्रूजो की शायद वो कोई सैवेज होगा, सैवेज क्या है जो जैसे कोई किसी पर्टिकुलर जैसे हम उसको बोलेंगे शायद कोई आदिवासी हो या जो आसपास के किसी मेन लैंड से इस साइड आया हो, ठीक है, अपनी एक छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द श्योर एट दैट टाइम, और वो क्या कह रहे हैं, मैं लकीली कि मैं वहाँ पे उस समय मौजूद नहीं था, बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या हुआ क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन दी आईलैंड, तो रॉबिन्सन क्रूजो ये सोचने लगा जो यहाँ पे अभी अपनी बोट में आया था जो सैवेज, उसको उसने मेरी बोट देख ली होगी और वो मुझे
ये सोच रहा होगा कि इसका मतलब इस आइलैंड में कोई ना कोई रहता है। एंड सून एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और बहुत जल्द ही शायद वो अपने बाकी जो ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ आएगा और मुझे ही विल किल मी एंड ईट मी। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज। सो इसकी वजह से क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूजो बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा डरे हुए रहे एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और किस चीज़ के लिए प्रे किया उन्होंने कि मुझे कोई प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, इन डूइंग सो, और जब वो ऐसा कर रहे थे, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। तो क्या है, जब वो इतना ज़्यादा डर गए थे उसके बाद क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा डरने के बाद, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। जब इतने ज़्यादा डरने के बाद, इतना ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में सोचने पर उन्होंने क्या सोचा, अब मुझे बाहर जाना चाहिए अपने कैसल से और मुझे इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बट इवन नाउ एज आई तुम्हें वेंट कौन सी मूवी फॉरवर्ड, क्लास है? अरे आई लुक्ड बिहाइंड मी कुछ तो फ्रिक्वेंटली। बता दो। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। सो रॉबिन्सन क्रूजो इज सेइंग दैट एज नाउ आई एम गोइंग आउट ऑफ माई कैसल बट आई एम वेरी अफ्रेड ऑल्सो दैट आई लुक्ड बिहाइंड मी माई सेल्फ फ्रिक्वेंटली। मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने पीछे की तरफ देखता हुआ बाहर गया ताकि मुझे लगे कोई मेरे पीछे तो नहीं है। ठीक है, हाउ एवर आई वेंट अबाउट और 2 or 3 days एंड सो नथिंग, आई बिकम अ लिटिल बोल्डर। सो जैसे कि ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब 1-2 दिन हो गए, जब रॉबिन्सन क्रूजो अपने कैसल के बाहर आना शुरू हुए, तो क्या है, वो थोड़ा सा अपना उनका डर कम होने लगा। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस अगेन। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, रॉबिन्सन क्रूजो ने, कि मैं एक बार और उस शोर की तरफ जाता हूँ। शोर क्या है, समुद्र का किनारा। अगेन आई शुड गो एंड एग्जामिन, मैं उस जो फुटप्रिंट है एक बार उसको और देखता हूँ और उसको अच्छे से देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उससे क्या मुझे कोई साइन मिलेगा या कोई सिग्नल मिलेगा। वो ये देखना चाह रहे थे। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क। सो वट ही रॉबिन्सन क्रूजो वॉज डिसाइड दैट आई शुड मेजर इट विद माई ओन फुटप्रिंट, यानी कि वो अपने जो उनका खुद का पाँव का फुटप्रिंट है, वो उससे अब जो उन्होंने सैंड में जो फुटप्रिंट देखा है वो उसको नापने वाले थे। ठीक है, उसको मेजर करने वाले थे कि उसमें उसकी क्या लेंथ है, मेरे खुद के फुटप्रिंट है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे रॉबिन्सन क्रूजो उस फुटप्रिंट के पास आए, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी एनी फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे रॉबिन्सन क्रूजो उस फुटप्रिंट के पास आए, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। तो रॉबिन्सन क्रूजो ने देखा कि ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ दी बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो रॉबिन्सन क्रूजो ने देखा ये फुटप्रिंट मेरा तो नहीं है क्योंकि मैं तो इस पार्ट में बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं आया। सेकेंडली आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और सेकेंडली उन्होंने क्या किया, अपना फुटप्रिंट उससे मैच किया, उसके ऊपर अपना फुट रखकर, इट सीम्ड लार्जर लार्जर देन माई ओन। तो रॉबिन्सन क्रूजो ने क्या देखा, जो फुटप्रिंट वहाँ पे सैंड में मौजूद है वो क्या है, बहुत बड़ा है उनके फुटप्रिंट के कंपैरिजन में। माई फेयर रिटर्न्ड, तो क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूजो का जो फेयर है वो वापस आ गया, वो बहुत ज़्यादा डर गए। आई वेंट होम अगेन, वो क्या है, रॉबिन्सन क्रूजो फिर से अपने घर की ओर चले गए,
यार घर की ओर मीन्स अपने कैसल की ओर, अपनी केव की ओर चले गए, ठीक है। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, उन्होंने ये बिलीव कर लिया इसका मतलब यहाँ पर कोई है। द आईलैंड वॉज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड। सो दिस इज द स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम डेनियल्स डिफोर्स रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो इज अ स्टोरी बुक विच इज रिटन बाय डेनियल डिफोर, एंड दिस पार्ट विच इज रिटन इन अवर बुक मैरीगोल्ड इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। द मेन स्टोरी इज अ होल बुक रॉबिन दैट इज रिटन बाय डेनियल डेफो। सो आई थिंक नाउ आवर स्टोरी इज एंडेड। या इनहैबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, वंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनाइट रूट, मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, सैवेजेस वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। सो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, सो थैंक यू।